वहीं टीवी वन प्रभाग ने भिलंगना रेंज में बच्चों को निवाला बनाने वाला आदमखोर गुलदार को मारने में सफलता मिली है। ग्रामीणों और वन विभाग ने बड़ी राहत की सांस ली। दरअसल गुलदार ने भौड़ गांव, पुरवाल गांव और महेव गांव में तीन बच्चों को अपना निवाला बनाया था। वन विभाग की 6 टीम विगत एक महीने से विभागीय सूत्रों की टीम आदमखोर की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे देर रात को भौड़ गांव गदेवे में मार गिराया गया। हमारी जो टीमें थी जो ऑपरेशन कर रही थी, उसके अलावा जो हमारी अवेयरनेस की टीम थी वो टोटली अलग थी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि जब तक कि हमारी ऑपरेशन की टीम उसको पकड़ नहीं लेती या उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर लेती या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक जो हमारी कोई घटना ना घटे, क्योंकि लगातार घटना हो रही थी तो इसकी संभावना बनी हुई थी। तो वो टीम जो हमने 5 से 6 गाँव चिन्हित कर लिए थे, जो हमने उसकी टेरिटरी मैप की थी उसके हिसाब से जो है 5 से 6 गाँव चिन्हित कर लिए थे, और उसमें से वो टीम जो है इंटेंसिवली तीन गाँव करके एक दिन में सुबह जल्दी सुबह होते ही तब से लगभग 6 बजे से और रात के लगभग 8 बजे तक जो है वो फील्ड में रहती थी, और ये कोशिश करती थी कि गांव वाले जो हैं कोई भी बच्चे अकेला ना घूमें, जो गांव के खासकर से जो गांव के कोने में एज पे जो घर हैं जहां पे सिर्फ महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं या फिर बच्चे हैं, उनको बार बार जाके जो है उनके कानों में डालना कि आप जो है अपनी सावधानी बरती है। और इस कारण से जो है हमारी दूसरी टीम है वह निसंकोच होकर जो है बिना किसी डर के जो है वो अपने कार्रवाई में लगी रही, और जिस कारण से जो है लगभग जो घटना घटी थी 19 अक्टूबर, उसके बाद जो है लगभग ऑलमोस्ट 35 से 40 डेज बाद जो है फाइनली हमने जो है उस गुलदार को जो है सारे प्रयास करने के बाद जो है उसको नष्ट कर दिया गया।